Hello, students. Good morning. Welcome in our political science class. We are doing chapter 5 of book 2 that is, Challenges and Restoration of the Congress System. In our last class, we have studied the fourth general election of 1967, in which we have seen congress loses its popularity and opposition parties made coalition against congress named Sangh vidhayak dal though congress won the election but its seats decreased in comparison to that of 1952 election one more interesting thing we have seen the split in the within the congress indira gandhi versus syndicates one group within congress supported indira gandhi and one group of syndicates who were the prominent leader of congress we have also seen that indira gandhi had to face two challenges she needed to build her independent her independence from the syndicate and she also needed to work towards regaining the ground that the congress had Lost in the one thousand, nine hundred and sixty-seven election. Today we will discuss presidential election of one thousand, nine hundred and sixty-nine. The factional rivalry between the syndicate and Indira Gandhi came in the open in one thousand, nine hundred and sixty-nine. Indira Gandhi or syndicates ke beach jo ye राइवलरी चल रही थी जो कोल्ड वॉर अंदर चल रहा था वो 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विजिबल हो गया फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फेल वैक दैट ईयर 1969 में जाकिर हुसैन जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई और प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो गया डिस्पाइट मिसेस गांधीज रिजर्वेशन द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम ओपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ लोकसभा एन संजीवा रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द इंश्योरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कांग्रेस के जो सिंडिकेट्स लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी के लॉन्ग टाइम ओपोनेंट उनके विरोधी नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एन संजीवा रेड्डी का नाम आगे कर दिया टिटेड बाई इनक्रेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वी वी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंदिरा गांधी एन संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कांग्रेस कैंडिडेट नहीं बनाना चाहती थी लेकिन जब सिंडिकेट्स ने उनका नाम आगे कर दिया तो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने पुश किया कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रखें शी ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ फोर्टीन लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द अबॉलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स और द स्पेशल प्रिवलेज गिवन टू फॉर्मर प्रिंसेस इंदिरा गांधी ने कई सारे पॉपुलर पॉलिसीज़ डिसीज़न लिए जैसे फोर्टीन बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो अबोलीशन ऑफ प्रिवीपर्स मीन्स जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस थे जिन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता था उस स्पेशल प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया गया ख़त्म कर दिया गया मुरारजी देसाई वाज़ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बोथ द अबव इशू सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज बिटवीन हिम एंड प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन देसाई लीविंग द गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी के इन दोनों स्टेप्स पे जिसमें उन्होंने एक प्रिवीपर्स को अबोलिश कर दिया और बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज़ किया इन दोनों ही इश्यूज पर मुरारजी देसाई जो उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई के बीच एक बड़ा इशू इशू एमर्ज हुआ और मुरारजी देसाई ने गवर्नमेंट छोड़ दिया मतलब वो जिस पोस्ट पर थे उस पर से रिजाइन कर दिया कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड अ शो डाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हालांकि कांग्रेस में इस तरह के उतार चढ़ाव कई बार हुए लेकिन इंदिरा गांधी और सिंडिकेट्स के बीच में जो इस तरह की खींचा थी वो कई बार हुई लेकिन इस बार दोनों ही पार्टी इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स और जो सिंडिकेट्स थे वो दोनों ही अपना अपना शो डाउन करना चाहती थी अपने अपना पावर दिखाना चाहती थी और वो ये डिफरेंस खुलकर आया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निज़ालिंगप्पा इशूड अ विप आस्किंग ऑल द कांग्रेस एम पीज एंड एम एल एज टू वोट इन फेवर ऑफ संजीवा रेड्डी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कांग्रेस प्रेसिडेंट उस वक्त थे एज निज़ालिंगप्पा उन्होंने एक विप इशू किया और कांग्रेस के कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी को के फेवर में वोट करने को कहा अब आप यहाँ पे ये जान लो वॉट इज वेप वेब इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफिशियल ऑर्डर इफ अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी इशूज अ वेप इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पार्टी मेंबर्स टू ओबे that order or that whip, otherwise it is considered as revolt and serious action can be taken against him. So then President of Congress issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy. Who was the official candidate of the Congress party? Supporters of Indira Gandhi requisitioned a special meeting of the AICC, All India Congress Committee. That is why this faction came to be known as Requisitionist but this was refused means supporters of indira gandhi requisitioned a special meeting of the aicc but this was refused after silently supporting vivigiri the prime minister openly called for a conscience vote which meant that the mp's and mlas

संजीवा रेड्डी के सपोर्ट में उनके फेवर में वोट करने को तो इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग कॉल की जो कि रिफ्यूज़ हो गई इंदिरा गांधी ने फिर साइलेंटली वीवी गिरी को सपोर्ट किया जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और एम और एम को के को अपील किया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने कॉन्शस वोट के लिए अपील किया कि वो जिसको चाहे उसको वोट करो और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने बीबी गिरी को सपोर्ट किया और जो रिज़ल्ट आया उसमें नीलम संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हार गए और वीवी गिरी प्रेसिडेंट इलेक्शन उन्होंने जीत लिया

जो पार्टी में प्राइम मिनिस्टरशिप में प्राइम मिनिस्टर थी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने विप को फॉलो नहीं करने की वजह से पार्टी से एक्सपेल कर दिया इंदिरा गांधी को शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज़ द रियल कांग्रेस एंड देन इंदिरा गांधी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज़ द रियल कांग्रेस बट बाय नवंबर 1969, the Congress group led by the syndicate came to be referred, uh, referred to as the Congress Organization, and the group led by Indira Gandhi came to be called the Congress Requisitionist. These two parties were also described as Old Congress and New Congress. इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजरवेटिव बिटवीन द प्रो पुअर एंड द प्रो रिच जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक्सपेल कर दिया तो इंदिरा गांधी ने क्लेम किया कि उनकी कांग्रेस जो है उनका जो ग्रुप है वो रियल कांग्रेस है और इस तरह से जो सिंडिकेट्स का ग्रुप था वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ओल्ड कांग्रेस और कांग्रेस ओ कहलाया और इंदिरा गांधी का जो उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस रिक्विज़िशनिस्ट या फिर कांग्रेस आर कहलाई मीन्स न्यू कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने इस स्प्लिट को आइडियोलॉजिकल डिवाइड के रूप में पोर्ट्रे किया और ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव ओल्ड कांग्रेस को उन्होंने कंजर्वेटिव कहा जो कि प्रो रिच प्रो रिच थे और इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस को सोशलिस्ट कांग्रेस कहा जो कि प्रो पुअर थी जो गरीबों के हित में सोचती थी now india faced election in 1971 and this was referred as restoration of congress so we will discuss the 1971 election and restoration of congress the split in the congress reduced indira gandhi government to a minority jeb congress made division ho gaya, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो थी वो माइनॉरिटी में आ गई येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन ऑफिस विद द इशू इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डी एम के इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो थी वो माइनॉरिटी में आ गई लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चलती रही क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और उधर डीएमके ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स और इस पीरियड में गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को सोशलिस्ट पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर सकें दिस वॉज ऑल्सो अ फेज वेन इंदिरा गांधी विगरेसली कैम्पेंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉज एंड अंडरटुक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन और इस पीरियड में इंदिरा गांधी ने जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे उनको इम्प्लीमेंट कराया और कुछ Land Ceiling Related Legislations ko bhi pass in, in order to end her dependence on other political parties, strengthen her party's position in the parliament and seek a popular mandate for her programs. Indira Gandhi's government recommended the dissolution of Lok Sabha in December 19, 1970.

और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो लैंड सीलिंग से रिलेटेड लॉज थे उनको तो इम्प्लीमेंट कराया ही साथ ही साथ लोकसभा को डिसॉल्व भी करा दिया मीन सिक्सटी सेवन में इलेक्शन हुआ था तो अगला इलेक्शन सेवेंटी टू में होना चाहिए था बट एक साल पहले सेवेंटी वन में ही दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी में उन्होंने लोकसभा डिसॉल्व करा दिया और ये उनका एक दूसरा बोल्ड मूव माना जाता है और अब फिफ्थ जनरल इलेक्शन फेबररी 1971 सेवेंटी वन में डिक्लेयर हुआ नाउ द कंटेस्ट द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी Loaded against Congress r After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. कांग्रेस के लिए इलेक्शन जीतना बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के within जो स्प्लिट हुआ था उससे कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमजोर तो हो गई थी Everyone वन दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस ओ सबको ये लगता था कि रियल स्ट्रेंथ जो है वो वो ओल्ड कांग्रेस के कमांड में है कांग्रेस ओ के कमांड में है टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एंड एलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रेट अलायंस इंदिरा गांधी की कंडीशन को वर्स करने के लिए जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थीं नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन सब ने एक अपना अलायंस बना लिया जो कि ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना गया द एस एस पी पी एस पी भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्बरेला The ruling party had an alliance with the CPI. jitne bhi जितने भी non -communist party aur jo और जो thi wo sab वो सब सब मिलकर अपना एक क्वालिशन बनाया ग्रैंड अलायंस के नाम से और इंदिरा गांधी के साथ सपोर्ट में सिर्फ सी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया येट द न्यू कॉन्ग्रेस हैड समिंग डैट This is big. Opponents lagged; it had an issue, an agenda, and a positive slogan. The Grand Alliance did not have a coherent political program. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common program: Indra Hatao, remove Indra. In contrast to this, she put forward a positive program. Captured in the famous slogan Garibi Hatao, remove poverty. She focused on the growth of the public sector, imposition of ceiling on the ruler land holding and urban property, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges. Ne ek a great alliance, but जो एक बहुत बड़ी चीज़ वो जो लैक कर रहे थे वो ये था कि अपोजिशन पार्टी के पास उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था इंदिरा गांधी ने बहुत सारे प्रो पुअर अमेंडमेंट किए थे बहुत सारे लॉज गरीबों के फेवर में किया था और उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ और क्योंकि अपोजिशन पार्टी के पास अपना कोई एक ऐसा एजेंडा नहीं था तो इंदिरा गांधी ने उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ और ये कहते हैं इंदिरा हटाओ थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबर्स दलित एंड आदिवासीज़ माइनॉरिटीज़ वुमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ इस गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ इंदिरा गांधी ने एक सपोर्ट जनरेट करने की कोशिश की सारे डिसएडवान्टेज ग्रुप दलित माइनॉरिटीज़ वुमेन अनएम्प्लॉयड यूथ इनका द स्लोगन ऑफ़ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इन इंदिरा इंदिरा गांधीज़ पोलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ बिल्डिंग एंड इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पोलिटिकल सपोर्ट बेस गांधी का एक की एक स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस के लिए अपनी कांग्रेस के लिए एक नेशन वाइड पोलिटिकल सपोर्ट बेस बनाने की नाउ द आउटकम ऑफ दैट इलेक्शन the result of the lok sabha election of 1971 were as dramatic as was the decision to hold these elections election ka result bhi utna hi dramatic tha jitna election karaye jane ka decision the congress r cpi alliance won more seats and votes than the congress had ever won in the first four general elections. इंदिरा गांधी की कांग्रेस को इतने सारे कांग्रेस और सीपीआई पी के लाइंस को इतने सारे वोट मिले जितने आज तक इन चारों इलेक्शन में कांग्रेस को कभी नहीं मिला था द कंबाइंड वोन 375 सेवेंटी फाइव सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड फोर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट वोट इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वोन थ्री फिफ्टी टू सीट्स

the party with so many stalwarts could get less than 1/4th of the votes secured by indira gandhi's party and win merely 16 seats aur wahi dusri taraf congress O ok jo bade bade maharathi the unhone un इंदिरा गांधी के कंपैरिजन में से वन फोर्थ seat ही अक्वायर किया और उनको सिर्फ़ और सिर्फ सिक्सटीन सीट्स ही मिले विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाई इंदिरा गांधी स्टैब्लिश इट्स क्लेम टू बी द रियल कांग्रेस एंड रिस्टोर्ड टू इट द डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स और इस जीत के साथ इंदिरा गांधी ने ये प्रूव किया कि उनकी कांग्रेस ही जो है वो रियल कांग्रेस है और कांग्रेस के डोमिनेंट को उन्होंने फिर से रिस्टोर किया द ग्रैंड अलायंस ऑफ द ऑपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट वाज लेस देन फोटी और जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो ग्रैंड अलायंस बना था वो एक तरह से ग्रैंड फेलियर प्रूव्ड हुआ और उनको सब सारों को मिलाकर सिर्फ फोर्टी सीट्स ही मिल पाए आफ्टर द नाइनटीन सेवेंटी वन लोकसभा इलेक्शन अ मेजर पोलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान एज वी हैव रीड इन चैप्टर फोर द नाइनटीन सेवेंटी वन इलेक्शंस वर फॉलोड बाय द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द इंडो पाक वॉर लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश दीज इवेंट एडिड टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इवेन द अपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर स्टेट्समैनशिप नाइनटीन सेवेंटी वन के लोकसभा इलेक्शन के जस्ट बाद एक मिलिट्री क्राइसिस फिर से हुई जिसमें कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की की लड़ाई हुई जिसमें बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ और बांग्लादेश का फॉर्मेशन ने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को एक और आयाम पहुंचा दिया एक एक और एक स्टेप ऊपर उठा दिया और यहां तक कि जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने भी उनके स्टेट्समैनशिप को एडमायर किया हर पार्टी स्वेफ्ट through all the state assembly election held in 1972 1972 the state election hue usme bhi congress party ko bohat baharimati she was seen not only as the protector of the poor and the unprivileged but also a strong nationalist leader the opposition to her इधर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ एट सिंपली डिड नाट मैटर इस तरह से इंदिरा गांधी न सिर्फ पुअर और अनप्रिवेलेज पीपल की प्रोटेक्टर के रूप में सामने आई बल्कि एक स्ट्रोंग नेशनलिस्ट लीडर के रूप में भी सामने आई विथ टू सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज वन एट द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट लेवल The dominance of Congress was restored. The Congress was now in power in almost all the states. It was also popular across different social sections. Within a span of four years, Indira Gandhi had warded off the challenge to her leadership and to the dominant position of the Congress party. But does it mean that the congress system was restored now here the question is does congress system was also restored what indira gandhi had done was not a revival of the old congress party in many ways she had reinvented the party the party occupied a similar position in terms of its popularity as in the past, but it was a different kind of a party. It relied entirely on the popularity of the supreme leader. It had a somewhat weak organizational structure. This Congress party now did not have many factions. Thus, it could not accommodate all kind of opinions and interest while it won election it depended more on some social groups the poor the women dalit adivasi and the minorities this was a new congress that had emerged thus indira gandhi restored the congress system by challenging the nature of the congress system itself so student this is all about of this chapter chapter 5 challenges and restoration of the congress system go through your book it will be interesting and if there is any query any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.